हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। आप सबों को द पॉलिटेक्निक क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोग को एक टेस्ट लिया गया था जिसके बारे में आप सभी लोग को बहुत अच्छा से पता होगा, क्योंकि इससे पहले भी आप एक टेस्ट दे चुके थे जो आपका सिक्स सेमेस्टर में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग में आपको यूनिट वन एंड यूनिट टू से टेस्ट लिया गया था। तो चलिए उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया, जिसमें आपको प्रत्येक वीक ओपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराया जा रहा है किसी ना किसी सब्जेक्ट से। तो इस बार आप लोग को जो आज कराया गया था वो माइक्रोवेव इंजीनियरिंग से कराया गया था। ठीक है, आप सभी ने टेस्ट दिया था, और जो स्टूडेंट टेस्ट नहीं दे पाए थे वो प्रयास करें कि इस YouTube पे आपको जो सोल्यूशन दिया जा रहा है उस क्वेश्चन को अपने से करने का ट्राई करें, अपने से बनाने का ट्राई करें, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। और यहाँ पे आपका जो जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आपका प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। तो टेस्ट आप लोग जितना भी स्टूडेंट नहीं दे पा रहे हैं या आपको नहीं पता चल रहा है, तो सबसे पहले आप पता कीजिए, आप ग्रुप में ऐड हो जाइए। आपका ग्रुप का लिंक जो रहेगा डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं टेस्ट की ओर। तो आज आपको सबसे पहले बता दें कि ये टेस्ट जो लिया गया था आपका गूगल मीट पर लिया गया था, और इसका रिजल्ट जो आपको पब्लिश होगा वो अभी आपको पब्लिश किया जा रहा है। और रिजल्ट पब्लिश के साथ साथ आपका टेस्ट जो हुआ था उसका सोल्यूशन भी दिया जाएगा और इसका डिस्कशन भी किया जाएगा। ठीक है, और ये सारे अंशु सर के द्वारा जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग को पढ़ा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हम। तो बता दें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन द पॉलिटेक्निक क्लासेस का, जो नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो है स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है। आप सभी लोग इस बात को केयर किए कि स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सारा कुछ यहाँ कराया जाता है। ठीक है, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी, एवरी सब्जेक्ट टॉट बाय डिफरेंट टीचर, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड सोल्यूशन, स्पेशल डॉट क्लास एंड डिस्कशन फैसिलिटीज अवेलेबल नाउ, वीकली टेस्ट एंड सेट प्रैक्टिस सोल्यूशन, यूट्यूब क्विज एंड टेलीग्राम क्विज, टॉपिक वाइज टेस्ट। अगर किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप 9204047883 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चलिए, ये जो आपको था पॉलिटेक्निक क्लासेस सिक्स सेमेस्टर में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग जो पढ़ना है, जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, टेस्ट भी मेरे द्वारा ही कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो हम लोग अब डायरेक्टली टेस्ट की ओर चलते हैं। तो टेस्ट में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था वो कुछ इस प्रकार से था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ते हैं और डायरेक्ट आंसर देने लगते हैं। तो ये सब आपको बार बार बताया जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को पढ़ने पे टाइम दें, ऑब्जेक्टिव अच्छा से पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन को ध्यान दें, ऑप्शन में आखिर कह क्या रहा है। तो अब पिछले बार भी आपको हम बताए थे कि जैसे ही क्वेश्चन आपको मिलता है आप क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद ऑप्शन को मिलाएं। अगर दो ऑप्शन वहाँ पे मिल रहा है, तीन ऑप्शन मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर को चूज करें। अगर एक ऑप्शन सही है तो चलिए ठीक है, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको ऐसा ऑप्शन आ जाए ए एंड सी बोथ, तो आपको ए एंड सी बोथ पे आपको फोकस करना है। अगर ए आंसर सही है तो सी क्या सही है या नहीं है, इस चीज़ को भी आपको फोकस करना है। और आपको अगर ऐसा क्वेश्चन और कहीं पर मिले तो
आप क्लियर किया कीजिए दोनों ऑप्शन को ध्यान से, ठीक है। तब चलिए क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका कॉन्वेंशनल ट्यूब। तो कॉन्वेंशनल ट्यूब के बारे में आपको बहुत अच्छा से बताया गया, इसके बारे में तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। इज नॉट यूजफुल फॉर एट हाई फ्रीक्वेंसी। आप बताइए हाई फ्रीक्वेंसी जो होता है, सबसे पहले ध्यान देना हाई फ्रीक्वेंसी या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को हम बोल सकते हैं या फिर आरएफ फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हैं, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को बोल सकते हैं। ये दो फ्रीक्वेंसी जो जनरली हम बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी का। तो बात यहाँ क्वेश्चन था कॉन्वेंशनल ट्यूब जो है सो यूजफुल किसके लिए नहीं होता है। तो आपका एक ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया था, थोड़ा सा आप ध्यान देते कि हाई फ्रीक्वेंसी को ही तो हम माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी को ही तो रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी पर क्या ये कॉन्वेंशनल ट्यूब वर्क कर पाता है? तो नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाता, यहाँ पे ए एंड सी बोथ हो जाता, क्योंकि आपका बोल रहा है क्वेश्चन कॉन्वेंशनल ट्यूब किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क नहीं करता है या फिर यूजफुल नहीं है, उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो आपको हो जाएगा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे इसका यूज नहीं कर सकते हैं या फिर आपका रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी पे यूज नहीं कर सकते हैं, जो कि दोनों ऑप्शन में गिवन था। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, बहुत कम स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप बहुत फोकस किया कीजिए कि यह क्वेश्चन क्या है। अब है एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी द साइज ऑफ एंटीना बिकम्स। तो अब बात है कि एंटीना का साइज क्या होता है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पे। तो आपको पता है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उतना ज़्यादा उतना ही कम क्या होता है उसका हाई साइज ऑफ एंटीना होता था। ठीक, इसके लिए आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आप फोर्थ सेमेस्टर से ही ये पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप कम्युनिकेशन में भी इस पार्ट को पढ़े होंगे, आपका सिक्स सेमेस्टर में भी कम्युनिकेशन पढ़ना था, जो एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलेशन या फिर नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन में भी ये पढ़ना था कि हाई फ्रिक्वेंसी पर एंटीना का साइज क्या होता है। तो वेरी स्मॉल इसका भी आंसर सही है। चलिए थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या था, आप बार बार आपको बताया जाता है कि अगर ऑप्शन ए एंड सी गिवन है तो इस क्वेश्चन पे आप फोकस किया कीजिए कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है। तो आपका दिया था वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, यानी माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ फाइंड करना था कितना पे, तो 100 गीगाहर्ट्ज़ पे। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कितना है, 100 गीगाहर्ट्ज़। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि गीगाहर्ट्ज़ को हम लोग बोलते हैं 100 × 10⁻⁹ हर्ट्ज, ये हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट यूनिट में, तो यानी हर्ट्ज में से कन्वर्ट कर लिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका निकालना है वेवलेंथ, तो लेमडा बराबर आपका लेमडा हम वेवलेंथ से शो करते हैं, लेमडा बराबर होता है सी बाई एफ होता है। तो सी का जो वैल्यू होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मीटर पर सेकंड होता है, और ये आपका फ्रीक्वेंसी जो गिवन है 100 × 10⁹। अगर इससे इससे इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इंटू 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि 10⁸ और 10⁸ से कट जाएगा, तो ये 10⁻ है ये यहाँ पे बच जाएगा, यानी 10⁻ ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जो फाइनल जो हमको आंसर जो आएगा सो क्या आएगा, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए लेमडा बराबर किया जाएगा, ऊपर में हमको क्या बचा है, तो ऊपर में सिर्फ हमको 3 बच चुका है, तो ऊपर में कितना बचा, 3, और नीचे यहाँ 100 × 10 ये हो जाएगा 1। ये आंसर किस में आया, मीटर पर सेकेंड में। इसको हम लोग करेंगे तो सिंपलिस्ट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 1000 आएगा, ये क्या मीटर पर सेकेंड में आंसर आया। इसको हम लोग देखेंगे 0. यहाँ लिखेंगे 003 मीटर पर सेकंड में, अगर आंसर ये आ रहा है तो ये मीटर पर सेकंड में मेरा आंसर आया। ठीक है, अब देखेंगे क्या ये ऑप्शन कहीं पे मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। तो 0.003 आपका मीटर यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इतना मीटर आ रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा था। अब आपको सिंपली जो बच जा रहा है, देखिएगा लेमडा बराबर 0.003 मीटर तो आया, इसको अब सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो इंटू 100 से हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करते 0.3 क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो हम लोग ये दोनों ऑप्शन ए एंड सी आपका मिल रहा है। तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए कहाँ पे आपसे गलत हुआ था, कहाँ पे आप मिस किए थे,
उस चीज़ को आपको फोकस करना था। तो इसका आंसर जो आपको सही होगा वो ए एंड सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में है, यहाँ पे आपका मीटर में आंसर दिया गया है। तो ये सब चीज़ आप फोकस कीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई भी एग्जामिनर चाहता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। तो वो कन्फ्यूज जो करेगा आपको इसी तरह से कंफ्यूज करेगा, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कि ये कोई भी बना देंगे इजी में। तो ये सब क्वेश्चन जो इजी मिलता है तो उसको आप डायरेक्टली वे में बनाने का ट्राई नहीं करें, उसको इनडायरेक्टली वे में देखें कि आखिर इतना इजी एग्जामिनर दिया है तो कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। तो आप इस सब क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं हो। आपको बता दें कि ये आपका इसरो में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी इसरो में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, सिर्फ आपका ये गीगा हर्ट्स का चेंजिंग था और बाकी आपका इसरो में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये सब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी आर यूज फॉर, माइक्रोवेव जो फ्रीक्वेंसी है वो यूज किसके थे, टेलीग्राफी के लिए भी यूज होता है, रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए और टीवी सिस्टम के लिए, सभी के लिए होता है। तो इसका तो इजी है, ये आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव है। अब पांच क्वेश्चन नंबर है। अब लीनियर बीम ट्यूब, आपको पहले ही बताया गया था लीनियर बीम ट्यूब के बारे में कि लीनियर बीम ट्यूब होता क्या है। तो लीनियर बीम ट्यूब और ओ ट्यूब, यानी इसका पूरा नाम होता है ओ फॉर ओरिजिनल ट्यूब, ओ फॉर ओरिजिनल ट्यूब। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये आज आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, कई बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लीनियर बीम ट्यूब के अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन, नोट कर लीजिएगा आप लोग सारे लोग। इसके अंतर्गत आता है रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, और फिर आता है आपका TWT, और लास्ट में ऑप्शन आता है, लास्ट जो आता है VWO। ये चार जो आता है ये लीनियर बीम ट्यूब के अंतर्गत आता है, TWT ट्रैवलिंग वेव टी, और VWO बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, ठीक है। टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन क्या होता है, तो टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एक एम्पलीफायर होता है जो कि नैरो बैंड एम्पलीफायर। रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन क्या होता है, ये ऑसिलेटर होता है। TWT ये क्या होता है, वाइड बैंड एम्पलीफायर होता है, ये नैरो बैंड होता है, और TWT वाइड बैंड एम्पलीफायर होता है। ये आपका नैरो बैंड ऑसिलेटर और BWO जो होता है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, ये वाइड बैंड ऑसिलेटर होता है। तो आपका क्वेश्चन गिवन क्या था, लीनियर बीम ट्यूब या ओ टाइप ट्यूब कौन है इसमें थे? ये ऑप्शन आप देखिए यहाँ पे आपका साइक्लोट्रॉन, ये तो आपको इसमें नहीं नज़र आया, एम्पलीट्रॉन नज़र नहीं आया, और रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन ये आपको नज़र आया। तो आपका आंसर जो होना है वो क्या होना है, सी किया है इसका आपको आंसर होना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ध्यान से देखेंगे, माइक्रोवेव ट्यूब एम टाइप। तो माइक्रोवेव ट्यूब आपका एम टाइप, तो एम टाइप माइक्रोवेव ट्यूब कौन कौन सा होता है? तो अभी आप जो देखें वो क्या देखें, अभी आप देखें लीनियर बीम ट्यूब, अब आपको देखना है यहाँ पे एम टाइप ट्यूब कौन कौन होते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग सभी नोट कर लेंगे, जितना भी अभी लाइव हैं ये सारे स्टूडेंट नोट करते रहें, कॉपी और पेन साथ में रखें, और सारे क्वेश्चन को आप देखते रहें, क्योंकि आपको यहीं से आपको सारा पॉइंट क्लियर करना है, ठीक है। तो आप जो भी डाउट है वो कॉमेंट बॉक्स में आप लोग करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमेंट बॉक्स में आप कीजिए, सारे को आंसर आपको दिया जाएगा। तो एम टाइप ट्यूब आपका कौन कौन से है, तो सबसे पहले एम टाइप ट्यूब आपका मैग्नेट्रॉन होता है, क्या, मैग्नेट्रॉन एम टाइप ट्यूब है, अब इसको हम लोग क्रॉस फील्ड ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। आपको बहुत जगह मिलेगा एम्पलीट्रॉन, जो अभी देखिए आप लोग साइक्लोट्रॉन, ये सब क्या है, क्रॉस फील्ड डिवाइस में ही आता है, और एम टाइप डिवाइस में ही ये सब आता है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ देखिए BWO ये आपका लीनियर था, TWT ये भी लीनियर था, रिफ्लेक्स क्लाइस्ट्रॉन ये भी आपका लीनियर ट्यूब था, तो आपको मैग्नेट्रॉन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे है द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो आज कुछ खास टेस्ट हुआ था, तो आपको नज़र तो स्क्रीन पर आ ही गया होगा। जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनको आपको सुबह में भी बताया गया था, टॉप 5 को ही
आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा और टॉप 5 स्टूडेंट को ही यूट्यूब पे आपका मतलब कि रिजल्ट पब्लिश होगा। बाकी सारे स्टूडेंट को आपका ग्रुप में जैसे ही जो 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 भी जिस ग्रुप में है उस ग्रुप में उनका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो नाम है वो कौन है थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग भी, क्योंकि इससे आपको एक मतलब कि क्या बोलते हैं सीखना है कि ये टॉप किए हैं तो आप लोग भी टॉप करने का ट्राई किए। जो लोग इस अच्छा मूवमेंट को मिस कर रहे हैं या फिर जो लोग इस मूवमेंट को नहीं मतलब कि क्या बोल सकते हैं इसको नहीं ज्वाइन कर पाए, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, नेक्स्ट टाइम आप लोग भी टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद अपना रिजल्ट यूट्यूब पे देखिए कि कौन क्या और कितना मार्क्स लाया है। तो आपको बता दें यहाँ पे जो आपका सीरियल नंबर फर्स्ट में है तो टॉप फिफ्थ, तो फिफ्थ पोजीशन पे आपका दो स्टूडेंट आए हैं। कौन कौन है वो? सूरज कुमार, जीपी अररिया, ये सब जो नॉर्थ है जितना भी नॉर्थ बिहार का स्टूडेंट है ये सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन लोग के पास पढ़ने का बहुत कम है, अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक्स्ट्रा इन लोग के पास कोचिंग नहीं है या फिर और जो भी है इन लोग एक कॉलेज पे ही डिपेंड है, तो इन लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। आप लोग से मुझे यही पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छा कीजिएगा और आप लोग को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है क्या एनी सब्जेक्ट में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 5 जो टॉप फिफ्थ रैंक जो प्राप्त किए हैं वो हैं सूरज कुमार और ये जीपी अररिया का है और इन्होंने टोटल क्वेश्चन आपका 30 था, तो बहुत अच्छा तो नहीं किए हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किए नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपने से बेस्ट बहुत अच्छा किए हैं जो कि 17 मार्क्स ला करके ये फिफ्थ स्थान पे प्राप्त किए हैं, फिफ्थ स्थान पे आए हैं 17/30। तो ये आपको सोचना है समझना है कि हम अभी फिफ्थ रैंक पे आए हैं, हमको 1 रैंक पे जाना है तो और मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके मेहनत कैसे करेंगे, तो जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उस क्वेश्चन को आप देखिए कहाँ पे हमसे गलत हुआ, क्या टाइम मैनेज नहीं कर पाए या फिर जो इजी क्वेश्चन था उसको जल्दबाजी आप कर गए जिसके वजह से आपको गलत हो गया। बहुत सा ऐसा टाइमिंग होता है कि आप नॉर्मल ऐसे ही जब पढ़ते हैं तो उस टाइम सारे क्वेश्चन को आप सही करते हैं और वही क्वेश्चन जब टेस्ट में आप आते हैं तो गलत करते हैं, तो इस चीज़ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि टेस्ट पे थोड़ा सा माइंड प्रेशर अलग रहता है, टाइमिंग प्रेशर अलग रहता है, सारे कुछ को आपको मेंटेन करते हुए आपको सही करना है। तो ये बहुत अच्छा किए सूरज कुमार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और नेक्स्ट जो है ये प्रिया गोल्ड, ये पिछले टेस्ट 1 में भी इनका शायद कुछ स्थान था और इस बार भी अपना स्थान को ये बरकरार रखे हैं। ये भी जो हैं गर्ल्स वुमेन्स पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर की हैं और ये भी फिफ्थ रैंक प्राप्त किए हैं, यानी ये भी कितना 17/13 ही लाए हैं। तो इनसे बहुत सा सीखना है तो आप सीखिए। और इन्होंने गलती क्या की थी कि 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, तो आप पे को क्या टाइमिंग प्रॉब्लम हुआ या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आए जिसकी वजह से आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप ट्राई कीजिए सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग अभी स्कीम नहीं रखा गया है लेकिन बहुत जल्द नेगेटिव मार्किंग भी आप लोग को रखा जाएगा, तो अभी प्रैक्टिस है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट थे सेकेंड अटेम्प्ट थे तो आप ट्राई कीजिए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा गलत ना हो। तो आपका टॉप फिफ्थ पे है सूरज कुमार, जीपी अररिया, टॉप फिफ्थ पे ही एक और है प्रिया गोल्ड जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर की है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो आपका 7 क्वेश्चन था फीडबैक इन क्लिस्ट्रॉन बाय, अब बताइए यहाँ पे कि फीडबैक जो भी क्लिस्ट्रॉन हम यूज करते हैं, चाहे तो आप फीडबैक की बात किया जा रहा है तो ये कौन सा क्लिस्ट्रॉन हम लोग कर रहे हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए सारे लोग कौन सा क्लिस्ट्रॉन यूज़ कर रहे हैं। जब हम लोग फीडबैक की बात कर रहे हैं तो ये 2-cavity क्लिस्ट्रॉन तो कभी हो नहीं सकता, ये जब होगा तो रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होगा। क्यों रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन में फीडबैक होता है जिसके वजह से आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में जाने के वजह से ये ऑसिलेटर के जैसा वर्क करता है। जब ऑसिलेटर आपको पता है कौन सा है तो ये पॉजिटिव फीडबैक की बात करता है, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक आपको जनरली आपको बात करता है किससे, एम्पलीफायर को। तो यहाँ पे क्लिस्ट्रॉन जो है
जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोई भी क्लिस्ट्रॉन हो, चाहे रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन हो, चाहे फिर आपका टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन या सिंगल कैविटी हो, इसमें जो फीडबैक होता है किसके द्वारा दिया जाता है? क्या एनोड के द्वारा? तो नहीं, एनोड के द्वारा नहीं। यूजिंग थ्री कैविटी गलत, यूजिंग फोर कैविटी गलत। ये जो दिया था री एंट्रेंट कैविटी के द्वारा, इसमें आपको बताया था री एंट्रेंट कैविटी क्या होता है। तो ये RF सिग्नल को एग्जिस्ट करने का एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसमें री एंट्रेंट कैविटी, जिसको री एंट्रेंट कैविटी बोलते हैं, इसमें RF सिग्नल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आई होप ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंटेड बाय, ये इतना बार क्वेश्चन को हम अगर क्लास में ही अगर देखे होंगे तो जो पेड कोर्स क्लास है, ऑफलाइन क्लास है, हर जगह इस चीज़ को हम बताए हैं कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जितना भी हम बताए हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो ऑफलाइन क्लास किए होंगे या पेड कोर्स होंगे तो उनको हॉस्टल और क्लासरूम का एग्जाम्पल याद होगा। जिनका हॉस्टल और क्लासरूम का एग्जाम्पल याद होगा वो इस क्वेश्चन को बहुत तेजी से बना दिए होंगे, क्योंकि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि ये लीनियर बीम ट्यूब जो होता है, लीनियर बीम ट्यूब जो होता है यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म से हम लोग नॉन यूनिफॉर्म में चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं ये सारे प्रोसेस बता चुके हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्पल गेट डायग्राम, चाहे वो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का एप्पल गेट डायग्राम हो, चाहे फिर वो किसका हो, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन को हो। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन की। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में क्या होता है, यहाँ पे ये टाइम टी शो किया जाता है, इधर से आपका कैविटी गैप को ये शो करता है, जो भी कैविटी गैप यहाँ पे होता है वो। अब यहाँ से क्या होता है, थ्री इलेक्ट्रॉन क्या आता है, आते हैं एक दो और एक तीन, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन तीनों सब एक पॉइंट पे जाके बंच बनाते हैं। तो इसी इलेक्ट्रॉन में इस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे होता है इसको बोलता है अर्ली इलेक्ट्रॉन बोल दिया जाता है, इसको ईयर बोल रहे रिफ्रेंस इलेक्ट्रॉन, इसको ईएल। तो ये सब क्या है, ये वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को ही क्या करता है, शो करता है। और यहाँ पे क्या होता है, सिंपली ये बंच बनाता है। तो ये सब सारा बात हम कर चुके हैं, तो सिंपली आंसर इसका क्या होना चाहिए, ये वो बात करते हैं एप्पल गेट डायग्राम। इस डायग्राम को हम लोग एप्पल गेट डायग्राम के नाम से जानते हैं। तो आपका वेलोसिटी मॉड्यूलेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका किससे है, तो आप एप्पल गेट डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत लोग इक्विवेलेंट सर्किट मारे थे जो कि गलत था, क्योंकि एप्पल गेट डायग्राम इसका स्पेशल जो ग्राफ है रिप्रेजेंटेशन किया गया है कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन को इसी ग्राफ से शो करना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। देखिए अब यहाँ बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर कुक का फ्रीक्वेंसी बैंड। तो आपको बहुत बार हम बताए थे, क्लास में भी बताए थे, ऑफलाइन क्लास जब तक चला उसमें भी बताएं, ऑनलाइन क्लास में भी सारा कुछ हम डिटेल कर चुके हैं। इसका जो आपको एक ट्रिक बताए तो याद होगा, लोकल स्कूल सेंटर एक्स कुक का, ये सारे लोग को याद होगा जो अभी वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग अभी लाइव हैं वो सारे लोग अपना माइंड में याद कर ले, नहीं तो आप कॉपी में सेट कर ले, क्योंकि इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना है। ये एल से लोकल, ए से स्कूल, सी से सेंटर, एक से एक समझ मान लो कुक का, लोकल स्कूल सेंटर एक्स कुक का, लोकल स्कूल से इसका होता है वन से दो, सारे लोग ये फ्रीक्वेंसी बैंड है, फ्रीक्वेंसी बैंड में सारे गीगाहर्ट्ज़ में होते हैं। ये होता है टू से चार, ये होता है चार से आपका आठ, ये होता है आठ से आपका बारह, ये होता है बारह से आपका शायद अट्ठारह होता है, ये अट्ठारह से सत्ताईस होता है, और ये सत्ताईस से क्या होता है लगभग चालीस, यही कुछ अप्रोक्सीमेट आंसर होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसी बैंड डायग्राम बताना है, इसमें कौन ग्रेटर देन और लेस देन बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कु इज ग्रेटर देन के, तो कु इज ग्रेटर देन के, नहीं गलत, ये लेस देन होता है कु, तो ये तो पहला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। दूसरा भी है लेस देन गलत, यहाँ पे ग्रेटर देन गलत हो गया। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है कु इज लेस देन के, सही है, ये जो है कु जो है ये 18 ये 27 लेस देन है। अब है के इज लेस देन का, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, राइट आंसर है कि के का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है 27, अब इसका के ये होता है के का आपका 18 होता है, और इसका कितना होता है 12 होता है। तो ये आप इस तरह से आंसर को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग है सिंगल कैविटी, तो आप सिंगल कैविटी किस में यूज किया जाता है, तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन में सिंगल कैविटी यूज किया जाता है।
इसमें आपका क्लेस्ट्रॉन में दो कैविटी यूज किया था, और ये मैग्नेट्रॉन में आपका इवन नंबर ऑफ कैविटी, इवन नंबर यूज किया था, कैविटी जो भी यूज किया था इवन नंबर ऑफ कैविटी। जनरली हम लोग 8 कैविटी को लेकर के चलते हैं, बहुत जगह आपको 6 कैविटी भी आपको लेकर के बताएंगे, लेकिन ध्यान रहना चाहिए सबका 360 डिग्री होना चाहिए आप सभी का, ठीक है। तो आप 8 कैविटी लीजिएगा तो आपका 45 डिग्री रहेगा, और इसे 6 लीजिएगा ये 60 डिग्री का रहेगा। तो आप बस मेंटेन करना है 360 डिग्री, और ये जो होना चाहिए इवन नंबर, और इवन नंबर ही क्यों होना चाहिए तो मैग्नेट्रॉन में आपको इवन किया गया है कि इवन नंबर क्यों होना चाहिए, और ए एंड सी बोथ आपका दिया गया तो ये तो आंसर होना नहीं है। तो आपका क्या आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर, यानी रिफ्लेक्स क्रिस्टोन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ट्रैपिंग इज यूज फॉर प्रिवेंट मोड जंपिंग इन। अब आप ही लोग बताइए कि स्ट्रैपिंग, ये जब मैग्नेट्रॉन बताएं इतना डीपली इसको हम लोग बात किए हैं, इतना डीपली में इसको हम लोग बात किए थे, जिसको आप देखते ही इसको आंसर यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रैपिंग कहाँ यूज किए थे हम, क्वेश्चन यहाँ पे जो हुआ था स्ट्रैपिंग जो यूज कहाँ हुआ था, तो आपको मोड जंपिंग, मोड जंपिंग भी याद होगा। तो मोड जंपिंग जो हो रहा था इसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी इसको रोकने के लिए हम लोग स्ट्रैपिंग यूज किए थे। सबसे पहले इसका हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आपको डीपली आंसर बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग यूज किए थे पाई मोड जंपिंग, क्या पाई मोड जंपिंग, और इसी को मेंटेन करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ इवन कैविटी का यूज किए थे। पाई मोड जंपिंग में क्या होता है कि पाई मोड मेंटेन रहता है, लेकिन कुछ डीसी वोल्टेज के कारण या फिर कुछ इंटरनल बोल सकते हो के कारण, इसमें क्या होता है पाई मोड जंपिंग जो होता है ये ट्रांसफ़र कर जाता है कोई और मोड जंपिंग में। तो ये हो सकता है 3π/4 हो जाता है, या फिर एनी थिंग्स कुछ भी आपका पाई मोड ना मेंटेन होकर के इस मोड में हो जाता है, जिसको हम लोग मोड जंपिंग इन मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, मोड जंपिंग इन मैग्नेट्रॉन। तो मोड जंपिंग इन मैग्नेट्रॉन हम बोलते हैं इसको। इस पर क्या होता है गलत फ्रीक्वेंसी हमको मिलता है, गलत फ्रीक्वेंसी मिलता है, ठीक है, मतलब रॉन्ग फ्रीक्वेंसी इस पर प्राप्त होता है। तो अब बात होता है कि ये जब ऐसा होता है तो इसी को हम लोग अवॉइड करने के लिए स्ट्रैपिंग को यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, स्ट्रैपिंग को। तो आपको यहाँ पता चल गया होगा कि स्ट्रैपिंग जो यूज होता है तो ये मोड जंपिंग को रोकने के लिए कहाँ यूज होता है, तो ये मैग्नेट्रॉन में यूज होता है। तो आंसर तो आपको यहाँ मिल गया। तो इस चलिए इससे जुड़ी और क्वेश्चन थोड़ा सा जो होता है उसको बताते हैं। तो इसे देखिए, स्ट्रैपिंग जब यूज किया तो स्ट्रैपिंग यूज किया तो ये तो जो मोड जंपिंग था ये खत्म हो गया, लेकिन स्ट्रैपिंग यूज होने के बाद दो ये मतलब कि इसमें और प्रॉब्लम आ गया। स्ट्रैपिंग सबसे पहले स्ट्रे कैपेसिटेंस इफेक्ट आ गया, और दूसरा आ गया आरएफ रेडिएशन लॉसेस, यानी आरएफ लॉसेस भी इसको बोल सकते हैं। तो ये दो लॉस हो गया, तो स्ट्रैपिंग आने के वजह से क्योंकि ये दो लॉस आ गया इसके वजह से भी हमको प्रॉब्लम हो गया। मोड जंपिंग जो प्रॉब्लम था ये जो ये मोड जंपिंग जैसा हुआ ये तो सही हो गया, लेकिन जब स्ट्रैपिंग आया तो यहाँ पे दो और हो गया, स्ट्रे कैपेसिटेंस इफेक्ट आपको जनरेट हो गया, रेडिएशन लॉसेस हो गया, जिसका इफेक्ट हमको पड़ने लगा। तब क्या वो स्ट्रैपिंग को भी अवॉइड करने के लिए एक नया टर्म आया, और एक आया जिसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग सन। क्या बोलते हैं, राइजिंग सन। अब राइजिंग सन आया किसको अवॉइड करने के लिए, स्ट्रैपिंग को। तो इसमें एक बेनिफिट क्या हो गया हमको, इसमें एक बेनिफिट राइजिंग सन आने से क्या हुआ कि मोड जंपिंग हुए बिना ही पाई मोड को ये मेंटेन करके रखा, पाई मोड को मेंटेन करके रखा कौन, तो यहाँ पे ये राइजिंग सन। अब इसका सारा डिटेल आपको बताया गया है, तो आप नोट्स कॉपी का हेल्प लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर होना था आपको, आंसर जो आपको पता चल गया, तो यहाँ पे क्लेस्ट्रॉन में हम इसको यूज नहीं करते हैं, मैग्नेट्रॉन में यूज करते हैं, TWT में यूज नहीं करते हैं, और बी एंड सी ऑप्शन था। तो ये ऑप्शन नंबर ए भी क्या है, गलत है, क्योंकि सी में TWT था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है, ये V14 फ्लोइंग इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन आपको अभी हम बताएं कि वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे कौन बेस्ड होता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन पे आपका दो होता है, एक होता है 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन जिसको हम लोग सिंपली क्लेस्ट्रॉन बोलते हैं, एक होता है आपका रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, ठीक है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इसको सिंगल कैविटी क्लेस्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका आंसर जो होना था आपको मैग्नेट्रॉन तो नहीं होता, TWT नहीं होता, बी एंड सी होना नहीं था। जब आंसर इसका होता तो क्या होता आपका बी आंसर, यानी क्लेस्ट्रॉन सही होता, ठीक है। तो यानी यहाँ पे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन भी आपका दिया रहता वो भी सही होता, और 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन दिया रहता वो भी सही होता, और क्लेस्ट्रॉन भी दिया है ये भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ गया होगा, ये जो है सके फोर्थ टॉपर हैं हमारे
माइक्रोवेव टेस्ट का ये फोर्थ टॉपर है और इनका नाम है प्रियंका कुमारी और ये जेपी नवादा का है और इन्होंने फोर्थ स्थान को प्राप्त किया है, यानी फोर्थ स्थान को प्राप्त किया है। तो इन्होंने बहुत अच्छा तो नहीं, इनको ही हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितना इजी क्वेश्चन दिया गया था आप लोग को, देखते ही आंसर बनाने वाला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया था, लेकिन फिर भी इसमें भी आप लोग क्या किए, बहुत गलत किए हैं। तो आप पे अच्छा ठीक है, आप फोर्थ स्थान रैंक लाए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, तो आप ट्राई कीजिए अपने से बेस्ट करने का, ठीक है। तो इन्होंने टोटल 30 क्वेश्चन में ये 20 क्वेश्चन को सही करके फोर्थ स्थान को प्राप्त किए हैं। अगर ये लाइव हैं तो आप देखिए कहाँ पे आप गलत किए थे, यानी किसके कारण, यानी कौन सा ऐसा रीजन हुआ, कौन सा ऐसा फैक्ट हुआ जिसके कारण आपको क्वेश्चन 10 मिस हो गए। तो आप वो 10 क्वेश्चन को देखने का ट्राई करें और सही करने का ट्राई करें। नेक्स्ट टाइम आप ट्राई कीजिए कि और अपर रैंक पे जाएं, यानी फर्स्ट सेकंड रैंक पे पहुँचे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ये सब रिजल्ट डिक्लेरेशन है जो कि आपको बताया जा रहा है, इससे आप इफेक्टिव हों और टेस्ट में आपका इंटरेस्ट आए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये टू कैविटी क्लिस्टोन, जो हम लोग बात किए थे टू कैविटी क्लिस्टोन, ये मेरा फर्स्ट कैविटी था, ये मेरा सेकंड कैविटी था। तो टू कैविटी क्लिस्टोन में सेकेंडरी कैविटी थी, ये मेरा प्राइमरी कैविटी होता है, ये सेकेंडरी कैविटी होता है। तो प्राइमरी कैविटी को हम लोग बांचर के नाम से जानते हैं और सेकेंडरी कैविटी को हम लोग कैचर के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है, सेकेंडरी कैविटी इज कॉल्ड, सेकेंडरी कैविटी क्या है, कैचर, राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 30 to 300 MHz, ये VHF का होता है, तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। UHF, SHF, अब EZ आपका यहाँ पे ISO होगा, EHF होगा, यहाँ पे मिस हो गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सुधार लेंगे सभी लोग। फिर है एटोनेटर, एन एटोनेटर यूज टू TWT, आप बताइए कि जो TWT हम लोग यूज करते हैं, TWT जो हम लोग बनाते हैं, ये मेरा क्या है, TWT है। अब यहाँ पे क्या हम लोग एटोनिएटर को क्या किए थे, यूज किए थे यहाँ पे, यानी यहाँ पे एक एटोनिएटर, इसको इसके, इसलिए इसको यूज किए थे क्योंकि आउटपुट का जो ये यहाँ से कुछ पार्ट इधर बाहर ना जाए, तो ये क्या कहता है, ऑसिलेशंस को रोकने के लिए, किसके लिए, ऑसिलेशंस को रोकने के लिए यहाँ पे क्या क्या है यूज किया। अगर यहाँ से आता ये फिर से और यहाँ पे RF सिग्नल कुछ आता है यहाँ पे, तो ये ऑसिलेशंस इधर भी हो जाता है, इसी को रोकने के लिए हम लोग यूज किए थे इसको। एक और ये ऑसिलेटर नहीं बन जाए, इसके लिए भी हम लोग क्या यूज किए थे, अगर ये आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में आ जाता और बार क्वेश्चन क्राइटेरिया को फॉलो कर जाता तो हम लोग ये को जैसा बार करने लगता था, बस इसी ऑसिलेशंस को रोकने के लिए हम लोग एटेन्यूएटर को यूज करते हैं, बस इसका अलग टर्म में आपका यहाँ क्वेश्चन गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये एक एज ए एम्पलीफायर बार करता है, कब, जब यहाँ पे हम लोग एटेन्यूएटर यूज रहेगा था, जैसे ही एटेन्यूएटर हटाएंगे तो ये क्या कैसा बार करने लगेगा, ये ऑसिलेटर के जैसा बार करने लगेगा, तो बस ऑसिलेशंस को रोकने के लिए हम लोग एटेन्यूएटर को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, TWT इज बेसिकली, आपको इससे पहले क्वेश्चन ही बताया TW क्या है, एक एम्पलीफायर है, ये क्या है, एम्पलीफायर है। अब एम्पलीफायर क्वेश्चन में सब में है, ये एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर, ये ऑप्शन गलत हो गया पहले भी। अब ट्यून्ड एम्पलीफायर है तो नहीं, ट्यून्ड एम्पलीफायर का कोई रिलेशन ही नहीं यहाँ पे बनता है। नैरो बैंड एम्पलीफायर, वाइड बैंड एम्पलीफायर, ये दो आपका ऑप्शन में है और ये ऑप्शन बन सकता है कि क्या क्या हो सका। तो नैरो बैंड एम्पलीफायर किसको बताए थे, तो हम लोग टू कैविटी क्लिस्टोन को। तो ये सब क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो माइंड सेटअप करके रखिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी पर पूछा जाएगा, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ऑब्जेक्टिव आप प्रीवियस ईयर में, वो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछा जाता है। और वाइड बैंड एम्पलीफायर हम लोग TWT को बोलते हैं, TWT का पूरा नाम तो ये क्या होगा, तो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। आप लोग ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें, सारे क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहें, साथ साथ मेरे साथ साथ सारे का आंसर देते रहें, सोल्यूशन देते रहें। आप लोग जिन लोगों का सोल्यूशन आता है, जो चाहते हैं कि हम और अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना सोल्यूशन को देते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑन व्हिच प्रिंसिपल मॉडर्न मैग्नेट्रॉन इज बेस्ड, जो मैग्नेट्रॉन है ये मॉडर्न में किस प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है। तो ये जो बार करता है ट्रैवलिंग वेव, जिसमें आपको मैग्नेट्रॉन है, यहाँ पे 8 कैविटी लगाए थे ऐसे ऐसे, अगर याद होगा किन्हीं को
तो ये कैविटी हम लोग 8 कैविटी लगाए थे, यहाँ पे क्या था मेरा कैथोड था और यहाँ पे कैथोड था, तो इसमें आपको तीन चार कंडीशन बताए थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था और एक बैक आ गया था, यानी ये ऐसा एक इलेक्ट्रॉन जो आपको यहाँ से निकला था वो राउंड जर्नी को ऐसा ही ट्रैवल करता था, और फाइनली 1.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैविटी में एनोड कैविटी पे जाकर क्या होता है कि ये कलेक्ट हो जाता था, यानी सारा एनर्जी अपना अपना जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जितना भी था RF सिग्नल में क्या होता था ट्रांसफर कर देता, फाइनली ये डेड जोन में चला जाता, तो ये ट्रैवल करता था कुछ इस तरह, तो ये ट्रैवलिंग वेव पे क्या करता है बेस्ड है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ट्रैवलिंग वेव हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं तो हमको अंदर से बहुत एक क्या कह सकते हैं दर्द होता है, क्योंकि इतना डीपली में और इतना अच्छा से बताने के बावजूद भी आप ये सब क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो टेस्ट दिए थे वो भी, जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस में पेड कोर्स लिए हैं वो भी, जो पेड कोर्स नहीं लिए हैं वो भी, आप ट्राई कीजिए कि आप कहीं भी पढ़ें तो आप एक बेस्ट और एक एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़े, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताए थे कि आप एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ने का ट्राई करें, कहीं भी पढ़ें तो अच्छा से पढ़ें, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर है DBS स्टैंडफोर, तो ये तो आप लोग को बताया गया DBS स्टैंडफोर, इसका पूरा नाम होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट सिस्टम, आपका बी आंसर इसका सही आंसर होगा, ये थोड़ा याद करने वाले, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे थर्ड टॉपर हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का, तो यहाँ थर्ड टॉपर में दो हैं और इन लोग का जो मार्क्स है वो सेम है, तो देख लीजिए कौन कौन है, ये अनुराधा वर्मा यानी अनुराधा कुमारी, इनका जो है पिछले बार सेकेंड टॉपर आ चुके थे, इस बार थर्ड टॉपर पे आ चुकी है, तो आप कहाँ पे आपसे मिस हुआ जिसके वजह से रैंक आप एक पीछे आए, तो आप ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन को सही करने का। इन्होंने टोटल 30 क्वेश्चन में 21 क्वेश्चन को सही करके ये थर्ड स्थान यानी थर्ड रैंक पे आए हैं, ठीक है। तो ये GP गया के हैं, और सेकेंड जो है खुशबू कुमारी, ये GP नवादा के हैं, इन्हीं थर्ड लाए हैं, इनका भी 21 मार्क्स ही आया है, तो आप दोनों से मुझे यही विश्वास है कि नेक्स्ट टाइम आप अच्छा कीजिएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखिए, अगर आप लाइव हैं तो आप देखिए कहाँ पे कौन सी क्वेश्चन गलत हुआ था, तो आप उसको सुधारने का ट्राई करें, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सोल्यूशन की ओर, तो यहाँ पे गन डायोड क्या है, तो गन डायोड आप लोग को बार बार बताया जाता है, गन डायोड कैसा है, तो ये नेगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस है। अब बात आता है कि ए एंड बी ऑप्शन में नहीं, तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अब नेगेटिव रेसिस्टेंस डिवाइस है मीन्स है। चलिए फिर गन डायोड जो बनाया जाता है किसे, तो ई एन टाइप से बनाया जाता है, क्योंकि इसमें जितना भी हम लोग बात करते हैं ये एन प्लस रीजन एक ही जो सेमी कंडक्टर से यही एन सब्ट्रैक्ट से यहाँ बनाया जाता है, तो चलिए इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर टनल डायोड के लिए कौन सा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ट्रू है, तो टनल डायोड क्या है, क्वेश्चन नंबर जो आपका वाइस है वो देखिए क्या है, बीच वन ऑफ द फ्लोइंग वर्क एज ए वेरिएबल कैपेसिटर, जब ऐसा क्वेश्चन आया तो ऑप्शन देखने का तो आपको बात ही नहीं, वेरिएबल कैपेसिटर किस में होता है, तो वैरेक्टर डायोड में, क्या होता है वैरेक्टर डायोड, अगर ऑप्शन है वैरेक्टर डायोड है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, टर्न डायोड नहीं, गन डायोड नहीं, पिन डायोड नहीं, नन ऑफ द अबव इज राइट आंसर, क्योंकि वैरेक्टर डायोड में ही वेरिएबल कैपेसिटर के जैसा ये फॉर्म करता है, क्योंकि इसमें एक कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, यही कैपेसिटेंस को वेरिएबल कैपेसिटेंस करता है, इसको हम लोग इस तरह से सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेगेटिव रेजिस्टेंस इज नॉट फाउंड इन, तो आप बताना है नेगेटिव रेजिस्टेंस किसमें होता है, तो टनल डायोड में आप देखिए कि नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, गन डायोड में भी होता है, इम्पैक्ट डायोड में भी आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, बैकवर्ड डायोड यानी इस डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपको बोलोमीटर यूज फॉर, तो आप इसको राइट जाइए, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये माइक्रोवेव पावर को ये मेजर करता है, ठीक है, माइक्रोवेव पावर को क्या करता है मेजर करता है, कौन बोलोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको आप राइट जाइए याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट था, पिछले बार ये टेस्ट नहीं दिए थे और बहुत मिस किए थे, हमसे इनसे बात हुआ था टेलीग्राम पे और इन्होंने कहे थे सर मोबाइल चार्ज या फिर और किसी कारण से उस टाइम, क्योंकि आपका जो वेदर था बहुत ख़राब था, बहुत जो बारिश हो रही थी जिसके वजह से ये
टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने बहुत मिस किया था। इन्होंने हम इनसे हम बोले भी थे कि ठीक है आप इस बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम, जो भी स्टूडेंट अभी हैं वो जो अटेंड नहीं किए हैं वो भी इनके जैसा सीखिए कि वो इन्होंने पिछले बार टेस्ट नहीं दिया लेकिन इस बार टेस्ट दे करके ये दिखा दिया कि हम एक अपने आप में हैं। तो इन्होंने जो मार्क्स लाए हैं वो तो ज़्यादा नहीं लाए लेकिन सेकेंड स्थान रहे हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट इन्होंने एग्ज़ाम दिया था द पॉलिटेक्निक क्लासेस का। तो इससे पहले ये फिफ्थ सेमेस्टर में लगातार जो हैं हम लोग के साथ रहे थे, टेलीग्राम पेज पे ये रहे थे। तो अगर ये लाइव हैं तो ये अपना कमेंट करके बताएं कि सर हम लाइव हैं, अपने आप से अपना फीलिंग को बताएं। तो हम इनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहते हैं, और ये इन्होंने सेकेंड रैंक प्राप्त किया है, और इनका नाम है एमडी यासिर, और ये जीपी कैमूर को रहने मतलब जीपी कैमूर इनका कॉलेज है। इन्होंने सेकेंड स्थान प्राप्त किया है, 30 क्वेश्चन में ये 22 क्वेश्चन को सही करके सेकेंड स्थान लाए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इनसे सीखिए क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकेंड रैंक लाया है, और पिछले बार ये बहुत मिस किए थे और नहीं दे पाए थे टेस्ट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं इसी को उत्सुकता हम लोग बोलते हैं कि टेस्ट के प्रति पढ़ने का एक अलग लगन हो। ठीक है, तो आप भी ट्राई कीजिए, आपका जो 8 क्वेश्चन गलत हुआ है और कौन कौन क्वेश्चन गलत हुए थे उस चीज़ को आप देखिए और उसको सुधार करने का ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आई होप आप फर्स्ट रैंक प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो था, वो क्वेश्चन नंबर 25 था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑपरेट इन रिवर्स वॉइस। अब बताइए रिवर्स वॉइस में कौन ऑपरेट करता, क्या टनल डोर आपको बताए थे कि रिवर्स वॉइस में ऑपरेट करता है? जो लोग जान रहे हैं आंसर वो कमेंट बॉक्स में आंसर अपना देते रहे। तो टनल डायोड में रिवर्स वॉइस नहीं यूज किया जाता, यूज किया जाता है आपका वैरेक्टर डायोड में। अच्छा, सही आंसर भी आपका बी होने वाला है, तो आप बी को सही आंसर टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस। इससे पहले क्वेश्चन दिया गया था कौन नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं रहता है, इसमें दिया गया था कौन कौन नेगेटिव रेजिस्टेंस एक्सिबिट करता है। तो टनल डायोड करता है, गन डायोड करता है, इम्पैक्ट डायोड करता है, यानी सब करता है, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। तो ये सब क्वेश्चन में जान किया है आप लोग किस कैसे गलत किए थे, यही तो हमको समझ नहीं आता है अभी तक। अब ड्रिफ्ट स्पेस जो होता है बिफोर कैचर कैविटी, तो आपको हम ये बताए थे। यहाँ पे मान लीजिए जाए कि यहाँ पे ये आपका कैचर बंचर कैविटी है, ये कैचर कैविटी है, इसी स्पेस के तो हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। तो पहला बिफोर कैचर कैविटी या कैचर कैविटी के पहले होता है, तो हाँ कैचर कैविटी के पहले होता है, लेकिन ये पूरी तरह से बोल सकते हैं कि ये सही सटीक आंसर नहीं है। बिफोर बंचर कैविटी के तो पहले होने का कोई बात ही नहीं, आफ्टर कैचर ये होने का बात ही नहीं है, लेकिन बिटवीन बंचर के कहीं क्यों गैप होता है, दो के बीच गैप होता है, कभी एक के गैप के बीच गैप नहीं हो सकता। तो ये जो क्वेश्चन है ड्रिफ्ट स्पेस, उसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर ए है, ये एक के बीच शो करता है, तो इसलिए एक के बीच कभी गैप हो ही नहीं सकता है, तो ये आंसर तो होना नहीं। कैचर कैविटी के पहले तो ड्रिफ्ट स्पेस होता है, ऐसा नहीं कि ड्रिफ्ट स्पेस कैचर के पहले नहीं होता है, लेकिन एक के बीच कभी स्पेस हो ही नहीं सकता है। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये बिटवीन बांचर एंड कैचर, ये बांचर यहाँ पे है, कैचर यहाँ पे, ये दोनों के बीच अब एक स्पेस हो गया, अब ये दोनों स्पेस को ही हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पेस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीच ऑफ द करेक्ट फॉर मैग्नेट्रॉन, देखिए इसमें थोड़ा सा क्या हुआ था कि ऑप्शन मिस्टेक हो जाना था, यानी बाय मिस्टेक के कारण इसमें ऑप्शन मिस्टेक, इसका आंसर जो इसका आंसर होना चाहिए था वो आपको बता देते हैं। इसका आंसर जो ये मैग्नेट्रॉन को स्टार्टिंग में ही बताएं कि मैग्नेट्रॉन एक क्रॉस फील्ड डिवाइस है, और ये क्या है ऑसिलेटर भी है, तो आंसर इसका ए एंड सी दोनों सही होना चाहिए। तो जो स्टूडेंट ए आंसर दिए हैं उनका भी हम सही किए हैं, जो स्टूडेंट सी आंसर दिए हैं उनका भी सही किए हैं, जो स्टूडेंट डी ऑप्शन में भी आंसर टिक किया है इनका भी हम सही किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमें सारे लोग का इसका एक नंबर हम दिए हैं, जो स्टूडेंट गलत किए थे बी भी दिए थे उनका भी, क्योंकि हमसे मिस्टेक हुआ था, तो इसका आंसर जो होना चाहिए आपका ऑप्शन ए एंड सी होना चाहिए, ए भी सही, लेकिन ए एंड बी जो हुआ था ये गलत हो गया था, इसका जगह पर ए एंड सी होना चाहिए था, उस केस में आपका डी आंसर सही होता। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट डायोड फेज डिफरेंस बिटवीन
करेंट एंड वोल्टेज ड्यू टू ट्रांजिट टाइम इफेक्ट। यहाँ पे जो दिया गया था, ये जो इफेक्ट हमको आ रहा था, जो प्राप्त हो रहा था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये डीसी सोर्स था, ये एसी इसका सुपर इम्पोज किया गया था। अब यहाँ पे जो हमको जो वैल्यू आ रहा था, यहाँ पे एंगल मिल रहा था इस तरह से करेंट और वोल्टेज का 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे तो करेंट एंड वोल्टेज ये दोनों जो मिल रहा था ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, यहाँ पे डीसी है, ये मेरा टी यानी ट्रांजिट टाइम इफेक्ट यहीं शो करता है, और यहाँ पे डीसी वोल्टेज है, ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज एसी को किया गया था, और ये पॉजिटिव यहाँ पे पीक पॉइंट था, यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव मैक्सिमम था, यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम था। इस केस में यहाँ पे दो करेंट और वोल्टेज के बीच में हमको डिफरेंस पता चलता है, ये 90 180 डिग्री का होता है। तो जो आंसर 180 दिए उनका सही है, बहुत लोग 90 आंसर दिए थे। तो क्वेश्चन करेंट और वोल्टेज दोनों के बीच पूछ रहा था कि करेंट और वोल्टेज का डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा था, तो 180 डिग्री करेंट और वोल्टेज का डिफरेंस बिटवीन होता है। लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखते हैं टाइम आप आंसर कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस यूज है डेली, क्योंकि पहले वीडियो में पहले टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन था, इसे बताया गया था। तो आप सोल्यूशन को याद रखें, जब भी टेस्ट लिया जाता है ना, तो आप इस वीडियो को देख लिया कीजिए कम से कम, अगर यूनिट वन या यूनिट टू से नेक्स्ट टाइम भी अगर टेस्ट होगा तो आप ये वीडियो जो आपको है ये रिकॉर्डेड आपको रहेगा, अभी लाइव चल रहा है, ये रिकॉर्डेड आपका रहेगा। तो रिकॉर्डेड वीडियो आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जा करके देख सकते हैं कि, तो आप देखने से क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, और टेस्ट में इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बनेगा। तो इसमें क्या होता है, क्लिस्ट्रॉन में गलत नहीं यूज किया जाता हेलिक्स को, लिप्टेज क्रिस्टम नहीं, TWT में भी हेलिक्स का यूज किया जाता है। तो इससे हमको क्या हुआ, सारे क्वेश्चन को हम आंसर दे चुके हैं। अब बात रहा फर्स्ट टॉपर, किसका फर्स्ट टॉपर, तो आई होप कोई गेस कीजिए फर्स्ट टॉपर, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे टॉप सेकंड तक रिजल्ट मिल चुका है, और अब जो रिजल्ट मिलने जा रहा है वो फर्स्ट टॉपर का, तो फर्स्ट टॉपर का रिजल्ट मिलने जा रहा है, तो इससे आप लोग कुछ इफेक्ट हो सकता है, तो आप लोग खुद बताइए, कोई गेसिंग कीजिए कौन हो सकते हैं आपका फर्स्ट टॉपर। जो फर्स्ट टॉपर हुए हैं वो पिछले बार यानी पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उन्होंने इन्होंने जो रैंक प्राप्त किया था वो बता दे, थर्ड रैंक प्राप्त किया था। जो थर्ड रैंक प्राप्त करके इस बार इन्होंने मेहनत किया और अपने लगन जज्बा के साथ पढ़ा और इन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। आप इनसे ट्राई कीजिए, सीखने का ट्राई कीजिए, क्योंकि पिछले बार जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में इन्होंने 12 क्वेश्चन को सही किए थे, और 12 क्वेश्चन को सही करके ये थर्ड रैंक प्राप्त किए थे। तो इस बार इन्होंने जो 30 क्वेश्चन का हुआ था, इन्होंने 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन सही करके ये फर्स्ट रैंक पे आए हैं। तो आई होप बहुत लोग गेस कर चुके होंगे, अगर ये लाइव हैं तो आप कमेंट करके बताइए कौन है। तो चलिए देखते हैं कौन है, ये हैं अफरोज आलम और ये हैं जीपी टेकारी। आपको बता दे ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस पेड कोर्स में भी ये हैं, तो आपको द पॉलिटेक्निक पेड कोर्स में भी ये अभी पढ़ रहे हैं। तो ये पिछले बार थर्ड रैंक लाए थे, इस बार ये फर्स्ट रैंक ला करके अपना नाम को द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे साबित किया कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल रियली में जो है वो आपको बताएगा। तो इस तरह से आप पूरा रिजल्ट को देखें, आपको फर्स्ट जो है अफरोज आलम, इन्होंने पूरे द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से इनको बहुत से कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि इन्हें फर्स्ट रैंक प्राप्त किया। आई होप ये रैंक आपको ऑलवेज कंटिन्यू रहे। तो इस वीडियो के लिए आपका इतना ही, नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट संडे जो आएगा वो आपका एक टेस्ट फिर से लिया जाएगा, और ये 2 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो आप अभी से 5 सब्जेक्ट जो पढ़ना आपको ये प्रिपेयर कीजिए, और प्रिपेयर करने के बाद आपका टेस्ट दीजिए, उसमें अपना रैंक को दिखाइए, आप यूट्यूब चैनल पर अपना नाम लाइए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।